हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच उपस्थित है एक स्टूडेंट जो जिन्होंने कि बिहार दरोगा का फिजिकल क्वालिफाई किया है। वो आज 11 तारीख के चौथे शिफ्ट में जो 10 बजे इंट्री होना था उस शिफ्ट के स्टूडेंट थे। तो उन्हें कब इंट्री लिया गया, कब छोड़ा गया, कब फिजिकल क्वालिफाई किए, कब क्या हुआ, आप लोग इस वीडियो में अभी तो हम उनसे मिल नहीं पाए हैं क्योंकि वो 8 बजे में फ्री हुए रात में, तो ऑडियो कॉल पे बात हुआ है। तो आप लोग इस ऑडियो कॉल को सुनिए और जिनका भी कल परसों या उसके बाद अभी फिजिकल होना है तो वो इस ऑडियो को सुन के फुल्ली कॉन्फिडेंट रहिए कि ऐसा ही हो रहा है, इसमें कहीं कुछ ही नहीं है। वो अपना जो भी उनके साथ आज हुआ है वो सभी बात इस ऑडियो कॉल के थ्रू बताए हैं। जल्दी उनसे हम मिलेंगे और आप लोग के बीच वीडियो भी लेके आएंगे। तो चलिए आज कैसे कैसे क्या हुआ आप लोग इस ऑडियो कॉल को देखिए। ये वही स्टूडेंट है जो कि जीएस रोशन चैनल पे आए हुए, दो दिन पहले भी उनका वीडियो डाला गया था जो कि रोहित ओझा, उनका बिली जंप भी चैनल पे डाला हुआ है। तो वही रोहित ओझा का आज फिजिकल था जो कि क्लियर हो गया है। तो आप लोग वीडियो को देखिए और अगर मेरा मेहनत अच्छा लगे आप लोग को तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को वीडियो ऑडियो सुनाते हैं। करीब वहाँ पे, हाँ करीब वहाँ पे 30 मिनट तक वो जो आप घुसे थे, मतलब मान लीजिए आपका डी शिफ्ट में था ना, हाँ आपको एंट्री क्या बजे लिया? वही बोला ना कि 10 बजे एंट्री का टाइम था लेकिन हम पहुँचे 10:30 बजे। हाँ लेकिन एंट्री 12:30 बजे रोक दिया गया सी को घुसा करके। अच्छा, और डी को घुसाना चालू किया गया करीब 1:30 बजे से, लेकिन हम एंट्री किए 2 बजे। डी को दौड़ाना चालू कर दिया गया था 2 बजे से, लेकिन हम 2 बजे एंट्री किए इसलिए हम दौड़े 2:40 में लगभग कंटिन्यू दौड़ा है। उसके बाद दौड़ने के 10 मिनट में रिजल्ट मिला। धूप तो बहुत हेवी धूप था, और धूप काफी धूप था, धूप का सहना किया लेकिन समझ जाइए कि दिमाग से धूप उड़ गया था। धूप कैसा है, ट्रैक कैसा है, सब कुछ लेगा। अच्छा, ये चीज आपके दिमाग में रहेगा नहीं, बस अपना चाल एगो हम कह दिए कि एकदम स्लो चाल चले। तो स्टार्टिंग कैसा दे, अंदर जब अंदर घुस गए थे फील्ड में, तो उसमें जैसे डॉक्यूमेंट ही सब चेस्ट वेस्ट सब पहनाने में कितना देर, चीप बांधने में कितना देर लगा दिया, आधा घंटा? ना ना, ये सब बांधने में करीब 15 से 20 मिनट। अच्छा, उसके बाद भेज दिया लाइन में? मुझे लाइन में भेज दिया। फील्ड का पोजीशन कैसा है, सुनते चपटा कर दिया, दोनों साइड से लंबा है, एक साइड में गोल तनको तनका है मात्र? मैंने दोनों लंबा है, करीब एक तरफ से 120 मीटर है, एक तरफ से 120 मीटर है, 240 हो गया, 240 ही होगा, दोनों तरफ से करीब 20-20 मीटर होगा, मतलब गोल नौ के बराबर घूमना है। हाँ एकदम, मतलब पर वाला एक आ रहे हैं, माने गोल तन को नहीं है, सीधा लंबा लंबा जाना है, एकदम जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग कैसा लिए थे? स्टार्टिंग हम एकदम स्टेप पे लिए था, 4 राउंड तक स्टेप पे दौड़े, अब 5वां राउंड जैसे हम पहला राउंड यहाँ पर दौड़ते हैं ना 1 मिनट में, उसी तरह से 5वां राउंड पूरा जी जान लगा के दौड़ दिए। अच्छा, 100 मीटर सर उसी में था, जी जान लगाए थे उसी में था, 100 मीटर। हाँ लेकिन एक पॉजिटिव इसी हमारे अंदर था कि हम जितना देर तक फील्ड पे दौड़े हमको कोई काट के नहीं था, हम ही बहुत लोगों को काटे करीब 20 गो को चारों राउंड में, और एक राउंड में मिला के हम करीब 20-25 गो लड़कों को काटे लेकिन हमको कोई नहीं काट पाया। अच्छा, दिमाग में टारगेट तक हमको कोई नहीं काटेगा। मान लीजिए कोई आपसे आगे चल रहा है तो वो आपको फिर ओवरटेक करेगा, आप उसको काटिएगा तो वो ओवरटेक किया होगा ना? 5वां राउंड हमको हुआ कि ओवरटेक किया, ओवरटेक किया तो उसको ही नहीं पता था कि हम 5वां राउंड है, मतलब उसमें हम फिनिशिंग देने वाले हैं, उसको इतना पीछे किए कि वो दिखबे नहीं दिया फिर। छोटा डेक दिए थे ना, हम बड़ा डेक डालते हैं। अच्छा,
ठीक, उसके बाद आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आगे जाने के 20 मिनट बाद रिजल्ट आया। पहले फेल वाले को सुनाया गया था, फेल वाला लोग फेल वाला लोग धीरे धीरे करके निकल गया। अब पास वाला का सुनाया गया, करीब 12-15 को पास था। हम पास वाला का टाइमिंग भी रहता है, फेल का भी टाइमिंग, पास का भी टाइमिंग। अच्छा, तो कितना टाइम लगा वहाँ? मेरा 6 मिनट 2 सेकंड लगा, 6-2 में गिरा दिए। करीब हम लोग 12 से 13 लड़के पास में ना, जो ग्रुपिंग था 40 का, तो उसमें हम पहला स्थान थे, मतलब हम ही 6-2 लाए थे, उससे कम किसी का नहीं था। तो 6-2 में आप गिरा दिए हैं, तो मान लीजिए हमर कितने वहाँ गिर सकता है? आप तो देखे हैं 6.5 में मेरे आ सकते हैं। आप आ जाइएगा वहाँ पे 6:25, 6:28, 6:29, 30 के अंदर आइएगा। चलिए ठीक है। आपके जैसे हेल्दी लड़का बहुत दौड़ निकला है। हेल्दी लड़का सभी दौड़ निकाल रहा था, ऐसा कुछ नहीं। जब वेट अगर थोड़ा बहुत ज्यादा है तो ना निकलेगा ना। अब बोलो ना कि आपसे हेल्दी लड़का निकाला तो आप दिखा देते, कैसे दिखा। अच्छा, आगे आगे सब ठीक है। दौड़ खत्म हो गया तो फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो 5 मिनट दौड़ खत्म होने के 1 घंटा गोला में रुकना पड़ा, क्योंकि 1 घंटा के बाद गोला फेंकवाया गया। हाँ, 1 घंटा बाद रुका नहीं, वो लोग नंबर आ रहा था 1 घंटा बाद। ऐसे लड़का फेंक रहा था, वो लड़का 3 बार फेंकेगा तो 40-50 वो लड़का है। हाँ, तो फेंकेगा तो कितना हो जाएगा? उसी गोला 1 घंटा लग गया। गोला तो सर 1 बार में फेंक देता होगा पूरा। कुछ कुछ ऐसा है कि जो 2-3 बार होते था। अच्छा, आप दरोगा क्वालिफाई कर पाए कि सर्जेंट किए? दरोगा कर पाए, सर्जेंट टॉप था। सर्जेंट में हम हाई जंप नहीं कर पाए, मौका मिला होगा लेकिन 4.5 का। 4.5 का मौका वो लोग करीब हमको तो 10 बार दिया। अच्छा अच्छा, जैसे बताते हैं गोला फेंके, फिर गोला फेंकने और हाई जंप में कितना का टाइम मतलब दिया होगा बीच में? 1 घंटा, फिर हाई जंप के 1 घंटा बाद लॉन्ग जंप, फिर लॉन्ग जंप के 10-15 मिनट बाद हाई जंप, गोला के बाद, फिर गोला के बाद 1 घंटा मिला आपको हाई जंप ना। हाँ, फिर उसके बाद हाई जंप को पहले 4 फीट मरवाया, फिर पूछा होगा जैसे सर्जेंट के लिए जाइएगा। उसके बाद सर्जेंट वाला अलग हाई जंप लगा था, जो 4 फीट क्लियर है उसको 4.5 फीट दिया जा रहा था करने के लिए। आपको आप बोले थे, आपको पूछा गया जो कि हम सर्जेंट मारिएगा आपकी नहीं मारिएगा? ना ना, सबको ले ये जा रहा था, जो पास है एक बार में 4 फीट जो कर लिया ना, जो एक के बार में 4 फीट कर लिया उसको ले जा रहा था। ठीक, जिसको मान लीजिए 3 चांस अगर हाई जंप नहीं हो रहा है तो उसको 4th चांस मिलेगा? 4 फीट जो हाई जंप नहीं कर पा रहे हैं उसको मिलेगा चांस? हाँ मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, और सर्जेंट के लिए तो 4 चांस क्या 5-7 चांस मिला है? हाँ, सही चांस मिलेगा। इस देखिए, केवल आपको दौड़ में चांस मिलेगा, बाकी में जब तक आप पास नहीं होइएगा तब तक चांस मिलते रहेगा, चांस मिलते रहेगा। लॉन्ग जंप अभी की स्थिति देखते हुए हम बता रहे हैं, ये नहीं कि आगे होगा कि नहीं होगा, अभी जो स्थिति था इसको बता रहे हैं। अच्छा, और अंदर का वातावरण बहुत अच्छा है ना? एकदम लोग रहा था कि हम लोग यहीं तय देखिए। अच्छा, और क्या बोल रहे थे, जब ये सब कंप्लीट हो गया, हाई जंप लॉन्ग जंप आपका हो गया, लॉन्ग जंप जब कंप्लीट हो, लॉन्ग जंप आपका कितने बजे कंप्लीट हुआ है? लॉन्ग जंप हम तो करीब 6:30-7 बजे आपका लॉन्ग जंप कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर आपको रोका गया होगा 1.5 घंटा। हाँ, हाई चेस्ट ना, उसके बाद हाई चेस्ट 10-15 मिनट में होगा, हाइट चेस्ट उसके बाद 10-15 मिनट में आ गया, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट ही सब। उसके बाद हाइट टेस्ट के 10 मिनट बाद मिला वो चीज, एक पेपर मिला जिस हिंदी और इंग्लिश में लिखना था, जो नहीं लिखना चाहता है वो हैंडराइटिंग, और लिखने के बाद हिंदी इंग्लिश वाला हैंडराइटिंग। उसके बाद गेट पास मिला, गेट पास मिल गया, आई डॉक्यूमेंट जांच वाला गेट पास। गेट पास का मतलब ये है कि आप बाहर जाइए, डॉक्यूमेंट अपना बैग के निकालिए और ले आकर सबमिट कीजिए। अच्छा, वहाँ जीरोक्स करा के एक एक कॉपी देना है सबका ना? एक एक कॉपी मात्र जीरोक्स करा के देना है। हाँ, जीरोक्स करा के लोग बाहर से लड़का सब ले जाता है कि वहीं करवाता है? ना, बाहर से जीरोक्स ले जाइए, जीरोक्स करेगा नहीं। अच्छा, कोई बोला है वीडियो में कि लगाए हुए है?
जुरक्स बाहर के दुकान पर करवाइए, एवं मैट्रिक है मार्कशीट मैट्रिक ओरिजिनल। अच्छा, डीए के मार्कशीट डीए के ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल, बहुत सारे वो डॉक्यूमेंट लग रहा था। आवासीय ओबीसी जिसका है उसका ओबीसी, मात्र छह वो डॉक्यूमेंट लगेगा, एक भी फोटो नहीं लगेगा। अच्छा, ये बताइए जो फोटो एको को नहीं लिया ना, और बताइए जो जैसे गेट पास मतलब जब लॉन्ग जम्प हाई जम्प जब लॉन्ग जम्प जब हो गया क्लियर, उस टाइम कैसा फील हो रहा था? अब उस समय तो अब तो जानते हैं हमारा कि हम मतलब डरे हुए थे, केवल मैं चीज ठीक था लेकिन डरे हुए थे। तेरा क्या हुआ? हम काफी डर गए थे उसमें, तो जब सब कुछ हो गया तो रोना आ गया होगा। अब क्या कहिएगा, दौड़े के समय में एकदम भावुक हो गया। वही वही जो भावुक होता है ना, वही तो रिजल्ट ला के दे देता है। दौड़ के टाइम में जब बोला ना छह दो मिनट तो थोड़ा भावुक हो गया, लगा जो कि कुल मेहनत सफलता प्राप्त हो गया तो सब सही है। जी सर, भावुक जरूर है कुछ देर के लिए। चलो ये तो रुकवा के देख लिया, हमको आके पूछा क्या, आके पूछ दिया कि कहाँ घर है बेटा, हम बताए। चलिए ठीक है, उन लोग का भी अपना ड्यूटी है, वो सही किए। आप तबीयत पे ध्यान दीजिए, एक दो दिन में फोन ओके हो जाएगी, अभी रहिएगा ना पटना। हाँ रहेंगे, आपका फिक्स करवा के जाएंगे भाई। ठीक है तो मिलते हैं परसों, कल शाम तक मिलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, तब तक अब आराम से खाना खाइए और घूमिए और रेस्ट कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम कीजिए। बहुत बहुत शुभकामना और बधाई आपको। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। ठीक है गुड नाइट। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ये रोहित ओझा है जो कि फिजिकल कंप्लीट करके आने के बाद हमसे बात किए हैं, ऑडियो कॉल पे ही बात हुआ है, तो वो हम आप लोग के बीच लेकर उपस्थित हुए हैं। जल्दी इनका वीडियो भी लेकर हम चैनल पे आएंगे, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जितना जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।